कपिल जी, पहले सबसे पहला सवाल कि रामपुर आखिर आजम खान का गढ़ रहा और आज आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन लोग उनकी यादों से जुड़े हैं, उनकी पहचान से जुड़े हुए हैं और बीजेपी सरकार में लाख कोशिश के बाद भी यहाँ से विधायक निकालना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना। तो मेरा मानना यह है कि आपकी बार भाजपा की बढ़िया तैयारी है और अब्दुल्ला आजम से बढ़िया कैंडिडेट यदि कोई पार्टी लाती है तो सारी जनता उसी की तरफ रहेगी। बीजेपी को इस बार समाजवादी का वोट मिलेगा, समर्थन मिलेगा? बीजेपी को वोट, हम तो बीजेपी को वोट देंगे योगी। लेकिन मेरा सवाल यही है, अगर स्वार विधानसभा से यदि कोई पार्टी चाहती है तो बेहतर नुमाइंदा हमारे क्षेत्र का उतारे, जो भी पार्टी बेहतर उतारे तभी विकास संभव है, अन्यथा जाति धर्म पे संभव नहीं। जहाँ तक हमारा मानना है तो अब्दुल्ला साहब ने जो है जेल भी गए हैं बेचारे, जब विधायक बने उसके बाद चार्जेस भी लगाए, तो दोबारा वो लड़ेंगे तो सारा माहौल जो है उन्हीं के पक्ष में बनेगा। नवाबों की सल्तनत रही, नवाबों ने यहाँ बरसों राज किया, उसके बाद आजम खान जब यहाँ रामपुर में आए, नौ बार के विधायक चुने गए, चार बार मंत्री रहे, एक बार राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद आजम खान की मुश्किलें बढ़ती गईं, लगातार उनके बाद एक के बाद एक लगभग सैकड़ों मुकदमे दर्ज हुए, उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम खान को 34 विधानसभा सुवार टांडा से विधायक चुनकर लोगों के बीच उतारा, लेकिन विपक्षियों ने उस विधायकी पर भी सवाल खड़े किए और उनके दो दो जन्म प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड पर उनके सवाल उठाए गए, पहचान पत्र पर सवाल उठाए गए। आज आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, जो उनकी 34 विधानसभा यहाँ सुवार में लगती है, यहाँ कोर्ट में उनकी विधायकी रद्द कर दी गई और आज जब 34 विधानसभा सुवार में हम पहुँचे हैं तो लोगों से जानना चाहते हैं कि एक बिन माँ बाप के बेटे की तरह 34 विधानसभा सुवार अनाथ है और वो अपने विधायक की आस देखती है कि कब हमारा विधायक होगा और कब यहाँ विकास की गंगा बहेगी। यहाँ हमारे साथ लोगों का पैनल है और लोगों से बात करेंगे कि 2022 में जिस तरीके से बीजेपी तैयारियां कर रही है, बीजेपी रण में उतरने की पूरी कोशिश कर रही है, 70% मुस्लिम आबादी होने के बाद 34 विधानसभा सुवार में बीजेपी ऐसा कौन सा हथकंडा अपनाएगी जहां अपना विधायक निकालना उसके लिए मुमकिन हो पाएगा, और क्यों आजम खान अपने कामों से, अपने वर्चस्व से 34 विधानसभा सुवार में जाने जाते हैं, रामपुर में जाने जाते हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम कपिल गुप्ता। कपिल जी, पहले सबसे पहला सवाल कि रामपुर आखिर आजम खान का गढ़ रहा और आज आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान सीतापुर जेल में बंद हैं, लेकिन लोग उनकी यादों से जुड़े हैं, उनकी पहचान से जुड़े हुए हैं और बीजेपी सरकार में लाख कोशिश के बाद भी यहां से विधायक निकालना बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर बना हुआ है। इस 2022 के चुनाव में क्या रणनीति है और क्या इस बार बीजेपी अपना विधायक बनाने में यहाँ सक्षम हो पाएगी? देखिए, बीजेपी सरकार ने बहुत अच्छे काम कर रहे हैं अब की बार, और जहाँ तक विधायक साहब की बात है अब्दुल साहब की, ये तो काफ़ी समय से जेल में बंद है, कोई यहाँ पर जन सुनवाई के लिए है ही नहीं कोई यहाँ पर, तो बीजेपी की अब की बार बहुत अच्छी तैयारी है और सारे सबका साथ सबका विकास को लेकर यहाँ पर बीजेपी ने तैयारी करी थी। कोई भी योजना है उसमें सभी को लाभ मिला है, किसी को भी छोड़ा नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो। तो मेरा मानना यह है कि अब की बार भाजपा की बढ़िया तैयारी है और विधायक अब की बार भाजपा की बढ़िया तैयारी है। जिया मलिक साहब हमारे साथ हैं। जिया मलिक साहब, भाजपा की बढ़िया तैयारी है लेकिन 70% मुस्लिम आबादी पे यहाँ का विधायक निकालना भाजपा के लिए कितनी टेढ़ी खीर हो सकती है? सर, ये मेरे हिसाब से तो नामुमकिन लगता है, क्योंकि इस समय आजम खान साहब लोकसभा के मेंबर भी हैं, दूसरी बात अभी पब्लिक के अंदर जब से अब्दुल्ला साहब जेल गए हैं, पब्लिक के अंदर एक और यूनिटी बढ़ी है, तो इससे ये लगता है कि अगर अब्दुल्ला साहब अगर आते हैं, दोबारा से चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो वो इस बार से भी ज़्यादा, अब जो चुनाव होगा वो पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से इस बार चुनाव जीतेंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है तो पब्लिक में एक ऐसा माहौल सा बना हुआ है कि इस बार जो है अब्दुल्ला साहब अगर आ ही जाएंगे, जहाँ तक चांसेस हैं, तो
तो इस बार जो चुनाव लड़ेंगे वो पिछली बार से भी ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी 70% मुस्लिम आबादी है और ज़्यादातर झुकाव मुस्लिमों का रहता है, सपा माइंड रहते हैं ज़्यादातर लोग। वैसे बीजेपी का कैंडिडेट लगातार दो बार से दूसरे नंबर पर आ रहा है और हो सकता है अभी भगवान या अल्लाह कोई ऐसा कुछ कर दे, वो तो किस्मत रही अपनी, तो आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन अभी तक का माहौल जो लग रहा है तो सपा के पक्ष में लग रहा है कि दोबारा फिर विधायक समाजवादी पार्टी का ही जीतेगा। सर आपसे पहले मैं आपका, मेरा नाम मोहम्मद रशाद। ये बताएं कि किस तरीके से रणनीति तैयार करेगी समाजवादी, क्योंकि आजम खान साहब और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल में बंद हैं, तो किस तरीके से, क्योंकि लगातार बीजेपी के जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आजम खान साहब जेल में रहें, जेल में रहेंगे तो किस तरीके से चुनाव जीत पाएंगे? वो अपने नाम से चुनाव जीत लेंगे। क्या जो आपने जिक्र किया कि वो अपने नाम से जाने जाते हैं, कितने विकास कार्य रामपुर में आजम खान साहब के रहे हैं? वो रामपुर शहर के अंदर विकास कार्य रहे उनके, रामपुर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर विकास बिल्कुल नहीं हुआ उनके नाम से। ये रोड देख रहे हैं आप, ये उनके मंत्री रहते हुए इस रोड में गड्ढे थे, समझे नहीं, और ये जो रोड बना है ये भाजपा की सरकार में बना है। मगर हम चाहते हैं, हम देंगे विकास के ऊपर वोट, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कोई भी हो, जो हमारे क्षेत्र में विकास कराएगा हमारा वोट उसको जाएगा। देखिए सर, बिल्कुल सही बात है, विकास के ऊपर वोट देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना और सभी को ये मालूम है कि जब से अब्दुल्ला साहब विधायक बने हैं उसके बाद उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला क्षेत्र में, जो उनके वालिद साहब लोकसभा के मेंबर रहे हैं, तो वो भी उसके बाद से उन्होंने कामकाज रामपुर में बहुत ज़्यादा करा और सभी को मालूम है रामपुर का विकास, उसके बाद से वो भी जेल चले गए, तो अभी इसी वजह से इस विधानसभा का जहाँ तक मेरा मानना है विकास नहीं हो पाया होगा। लेकिन जो एक अभी इस समय लहर बन रही है, जो माहौल बन रहा है, तो उससे ये प्रतीत होता है कि दोबारा अब्दुल्ला साहब, जाहिर सी बात है चुनाव में तो आएंगे, जब वो पहली बार लड़े हैं और उन पर चार्जेस भी इतने मुकदमे लगाए हैं, तो वो जब उनके मुकदमे ख़त्म होंगे तो दोबारा चुनाव जरूर लड़ेंगे, तो फिर दोबारा वही जीतेंगे। अच्छा, पाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पाल साहब बताएं कि किस तरीके से बीजेपी जिस तरीके से अपनी तैयारियां कर रही है और बीजेपी रण तैयार कर रही है, 70% आबादी पे 70% मुस्लिम आबादी और 30% हिंदू, तो किस तरीके से यहां 34 विधानसभा सवा टांडा में बीजेपी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो पाएगी? देखिए, अगर विकास के ऊपर वोट मिलता है तो बीजेपी की सीट निकलेगी, क्योंकि मजवासी में, सुवार में, दड़ियाल में, टांडे में इतना विकास हुआ कि कोई आज की डेट में सड़क जो है कच्ची नहीं है, सब पक्की रोड बन चुकी हैं, और कलोनी जो है आवास जो आए हैं ये सरकार की तरफ से कलोनियाँ बेहिसाब आई हैं, मेरे ख्याल से मजवासी और सुवार में सबसे ज़्यादा कलोनियाँ आई हैं, तो विकास के ऊपर वोट देंगे तो बीजेपी की सीट निकलेगी। अगर बात करें, आपने कलोनियों का जिक्र किया, तो अभी विधानसभा के चुनाव बंगाल में हुए और बंगाल में बड़ा सुर्खियों में जिक्र रहा कटमनी, तो क्या मानते हैं कि यहाँ भी कटमनी का उपयोग जो है किया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, क्योंकि जितना पैसा आया है वो पूरा पैसा मिला है पब्लिक को, और जो है कोई जो है कटमनी ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जिस तरीके से बीजेपी यहाँ अपना गढ़ बनाना चाहती है, अपना विधायक लाना चाहती है, लेकिन इस बार विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके से अब्दुल्ला आजम खान चुनाव जीते और उन्हें जो है काम करने का मौका नहीं मिला, वो जेल पहुँचे, तो अनाथों की तरह इस विधानसभा ने ज़िंदगी जी है, अब क्या चाहते हैं कि कौन सा विधायक आए जो यहाँ विकास करे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम जो स्वाट टांडे जो 34 विधानसभा के निवासी हैं, इस बार हम अपने स्वाट टांडे का निवासी को ही विधायक अपना बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, जो अच्छा कार्य करेगा उसको विधायक बनाएंगे। किस तरीके का विधायक चाहते हैं? जो सबको साथ लेकर चलेगा, सबका साथ सबका विकास के नीति पे हम चलेंगे। इससे पहले कभी लोगों की ऐसी रणनीति बनी है कि लोगों ने अपना विधायक बनाने की रणनीति बनाई हो? क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर रामपुर के लोग ही यहाँ 34 विधानसभा के विधायक रहे हैं, चाहे वो नवाब शासन के रहे हों, समाजवादी के रहे हों, या अब्दुल्ला आजम खान जो आजम खान साहब के बेटे हैं, तो ये किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं कि अपना क्षेत्रीय विधायक जो है वो चुना जाए? देखिए, हमारे यहाँ 70 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, अब तक हमारा जो ज़िला है गुलामी की जंजीर में जकड़ा था, लोग जातिवाद पे चले जाते थे, उन्हें विकास नहीं चाहिए था, लेकिन आजम खान आने के बाद उन्हें विकास करना सिखा दिया, उनके बेटे जेल चले गए, कोई बात नहीं है चले गए, लेकिन अब्दुल्ला आजम से बढ़िया कैंडिडेट यदि कोई पार्टी लाती है तो सारी जनता उसी की तरफ रहेगी।
कोई नहीं, हमें विकास चाहिए। किसी मजहब को नहीं चाहिए, मजहब की जरूरत नहीं है यहाँ किसी को, किसी दाढ़ी वाले की जरूरत नहीं है, किसी पंडित की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं है, यहाँ विकास की जरूरत है। पाल साहब ने जिक्र किया था कि टांडे में बहुत विकास हुआ है, टांडे की जनता आज भी लालपुर के पुल के लिए रोती है। नहीं, लालपुर का पुल जो है वो रुका हुआ है, किसी कारण से रुका हुआ है, उसका भी बहुत जल्दी काम होगा। और उसके लिए जो है व्यापार मंडल वालों ने बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन उठाया है, उन्होंने ही मांग करी है, और सरकार की तरफ से भी उसका बहुत जल्दी जो है विकास होने वाला है। वैसे पास हो चुका है, चुनाव सिर पे हैं, और बीजेपी के कुछ लोगों का कहना है, और जैसा हमें सूत्रों से ज्ञात हुआ कि बीजेपी ने दावा ठोका है कि अगर हमारा विधायक बनेगा तभी पुल का निर्माण होगा। नहीं सर, ऐसा हमारे संज्ञान में कुछ नहीं है। देखिए, ये जो जब एक आदमी किसी जिम्मेदारी पे होता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, तो उसे सारे क्षेत्र में कामकाज कराना होता है और कराना भी चाहिए। मान लीजिए अब यहाँ पर उनका विधायक नहीं है, तो उनकी ये जिम्मेदारी तो है कि उन्हें काम तो सभी में क्षेत्र में कराना है, चाहे ये क्षेत्र हो क्या कोई और क्षेत्र हो, क्योंकि यहाँ पर जब जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है तो कोई ज़रूरी नहीं है 400 कुछ सीटें हैं, कोई क्या सभी सीटों पर एक ही पार्टी का कैंडिडेट लगातार सभी आएँ। वो तो हर क्षेत्र से अलग अलग कैंडिडेट आते हैं, लेकिन जब जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ जो भी इंसान होता है, अब माननीय योगी जी हैं, तो मेरा मानना है कि वो सभी क्षेत्र में विकास कार्य करा रहे होंगे और सभी क्षेत्र में हो भी रहे होंगे, तो और होना भी चाहिए। अब आप कह रहे हो कि अगर यहाँ पर उनका विधायक होगा तभी यहाँ पर विकास होगा, ये बात आपकी मैं सिरे से खारिज करता हूँ, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। अच्छा, विधानसभा चुनाव जब हुए तो विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम खान जो है यहाँ के विधायक बने, और जब लोकसभा चुनाव की बारी आई तो जयप्रदा जी बीजेपी से दावेदारी करके आईं और उन्हें यहाँ से हार का सामना करना पड़ा। तो क्या वजह है कि लोग जो हैं यहाँ के मुस्लिम वोटर हैं वो बीजेपी की सीट यहाँ से निकालना अच्छा नहीं समझते हैं? मुस्लिम वोट वो तो है कि ज़्यादातर समाजवादी को जाता है, लेकिन अब की बार भाजपा ने मुस्लिमों के भी बहुत विकास कराए हैं हर मामले में, चाहे आवास में हो, शौचालय में हो, या बिजली कनेक्शन हो, गैस कनेक्शन हो, सारी योजनाएं सभी तक पहुंची हैं। तो अब की बार मुझे लगता है कि मुस्लिम भाई भी हमारे भाजपा को वोट देंगे। चाचा, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या इस बार बीजेपी को वोट जो है वो मुस्लिम वोटर देगा? नहीं बोला जाएगा ना, नहीं बात नहीं बोला जाएगा। बीजेपी को इस बार समाजवादी का वोट मिलेगा, समर्थन मिलेगा ना? बीजेपी को वोट, हम तो बीजेपी को वोट देंगे, योगी जी को वोट देंगे। ये अच्छी बात है कि कुछ लोग हैं। चाचा, आप बताएं, क्या इस बार बीजेपी को समर्थन मिलेगा समाजवादी वालों का? हाँ, मिलेगा। सर, ये तो अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है, ऐसा नहीं है। देखो, एक जो पार्टी होती है, मान लीजिए कोई सी भी पार्टी है, एक्स वाई जेड बहुत सारी पार्टियां हैं, तो उसमें सारी जातियों का, सारे धर्मों का विचारधारा के लोग मिले हुए होते हैं। तो कोई जाति धर्म का इसमें कोई मतलब नहीं है। किसी भी जाति धर्म वाला अगर उसकी विचारधारा मिल रही है तो वो उसको वोट दे भी सकता है, नहीं भी दे, अगर विचारधारा नहीं मिल रही तो नहीं भी दे सकता है। इस बिल्कुल आप लोग युवा हैं, युवा होकर क्या सोच रखते हैं, किस तरीके के विकास कार्य आपके विधानसभा क्षेत्र में होने चाहिए, पढ़ाई से रिलेटिव, क्योंकि कोरोना काल में पढ़ाई पूरी तरीके से बंद है। आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं। अच्छा, पढ़ाई को लेकर क्या सोच है आपकी? पढ़ाई मतलब अच्छी चलती है अपने यहाँ भी, यहाँ पे इंटर कॉलेज में अभी भी पढ़ाई अच्छी चल रही है, देख रहा हूँ मैं भी। वैसे युवा अच्छे काम कर रहे हैं, अपनी सरकार जो है अभी भी यहाँ पर सही काम कर रही है। विधायक तो है नहीं, विकास हो कैसे रहा है? लोग कहते हैं कि यहाँ पे विधायक के बिना विकास तो हो रहा, मतलब अभी आवास उवास ये सब आ रहे हैं तो ये विकास ही है ना, विकास है ना, और कुछ तो नहीं है ना। मतलब अभी अपने यहाँ जितने सफाई कर्मचारी है सब अच्छे से ही हो रहा है ना। अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि कैसा विधायक हमारे क्षेत्र का होना चाहिए, कितना विकास आप चाहते हैं? सही है, जितना विकास भी है सही चल रहा है हमारे क्षेत्र में। कुछ बदलने की, कुछ बदलाव की उम्मीद लगती है आप? देखो, आपकी सरकार आ गई तभी पता चल पाया। अभी योगी सरकार है, वो कितना काम कर रही है? सही काम चल रहा है अभी तो, योगी सरकार सही काम कर रही है। अच्छा, जो रणनीति है विकास को लेकर, दावों को लेकर, क्योंकि योगी सरकार है, योगी सरकार का कार्यकाल जिस तरीके से बीता है, कपिल जी आपसे जानना चाहेंगे कि योगी सरकार के कार्यकाल में जो पूर्व की सरकारें रही हैं
उससे क्या बेटर जो है इस सरकार ने करके दिखाया? योगी सरकार ने सबसे पहले तो भ्रष्टाचार पर लगाम कसी है। भ्रष्टाचार इस सरकार में बिल्कुल नहीं है, अपराध नहीं है। जो भी अपराधियों की जगह है वो जेल में निश्चित की है, सबको जेल भेजा है, कोई यहाँ पर ऐसा अपराध अब होने वाला नहीं है। और हम जो है अब ये कोशिश करेंगे कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक हो वो यहीं का रहने वाला हो, स्वार टांडे का रहने वाला हो, वही हमारी ज़्यादा सुनेगा। और विधायक अब जब यहाँ का होगा, सरकार भी भाजपा की आ रही है दोबारा, तो जब विधायक भी यहाँ का भाजपा का होगा तो विकास चौगुनी गति से होगा वो फिर। अच्छा, आने वाले समय में जब सरकार दोबारा आएगी तो क्या आपको लगता है कि भाजपा इससे दुगनी तेजी से काम करेगी? नहीं, भाजपा से दुगनी तेजी से तो कोई सरकार काम नहीं कर सकती जितना भाजपा ने करा है। ऐसा तो कुछ नहीं है, इससे पहले समाजवादी की थी, उनका काम बिल्कुल जीरो था, कुछ नहीं करा उन्होंने। बस उनके तो खाली वायदे थे कि लैपटॉप बांट दिया, ये बांट दिया। लैपटॉप से कौन सा विकास हुआ ये बात बताइए आप मुझे, कोई विकास नहीं हुआ। 102 सेवा चलाई गई, 100 नंबर डायल जो है पुलिस को दिया गया, वो तो आज भी चल रही हैं, वो तो आज नाम तो बदले गए, नाम बदले गए हैं, उससे क्या हो रहा, विकास तो वही हो रहा, काम तो वही हो रहा, बस नाम बदलने से। नाम बदल दिए चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है, हर सरकार अपना नाम चाहती है, मगर बीजेपी ने काम भी करा है। बहन जी, बहन कुमारी मायावती कई बार जो है ऐसे मामलों में फंसी हैं कि उनका बोलना वहाँ बहुत सुनिश्चित होना चाहिए था, लेकिन हमेशा बीजेपी को लेकर वो चुप रहती हैं। चुप, उनका चुप रहना कहीं ना कहीं उनकी कमजोरी होगी, मुझे तो पता नहीं है। नहीं, इससे ये साबित तो नहीं होता क्योंकि पूर्व में समाजवादी के साथ गठबंधन किया था, शायद बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए बहन जी की तैयारियां चल रही हों। साहब, ये बड़े नेता हैं, ये बड़े नेता ही जाने कब किसे पलटी मार जाए, इसका तो हमें भी नहीं जानकारी। लेकिन मेरा सवाल यही है, अगर स्वार विधानसभा से यदि कोई पार्टी चाहती है तो बेहतर नुमाइंदा हमारे क्षेत्र का उतारे, जो भी पार्टी बेहतर उतारे तभी विकास संभव है, अन्यथा जाति धर्म पर संभव नहीं है। जाति धर्म पर संभव नहीं है जी मलिक जी। देखिए सर, हम भी यही चाहते हैं, सारे लोग यही चाहते हैं। ये हमारे 34 स्वार टांडा की बदकिस्मती है। एक बार निसार साहब तो जीते थे, यहाँ से मंत्री भी बने थे, उसके बाद से शायद जहाँ तक मेरा मानना, मेरी इतनी एज भी नहीं है, उसके बाद से 34 स्वार टांडा का लोकल का कोई विधायक बना नहीं है। सारे लोग चाहते हैं लोकल का विधायक बन जाए, तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। अब जब विधायक रामपुर के ही बनते हैं तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा, कौन किसे सपोर्ट करता है। जहाँ तक हमारा मानना है तो अब्दुल्ला साहब ने जो है जेल भी गए हैं बेचारे, जब विधायक बने उसके बाद चार्जेस भी लगाए, तो दोबारा वो लड़ेंगे तो सारा माहौल जो है उन्हीं के पक्ष में बनेगा, क्योंकि लोगों में एक तरह से दिलचस्पी भी बढ़ी है उनके प्रति। और ये जाति धर्म के नाम पे तो अब राजनीति होनी नहीं चाहिए, राजनीति विकास के नाम। मतलब आपका कहना है कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जिस तरीके से जेल गए हैं तो लोगों की सिंपैथी उन्हें ज़रूर मिलेगी। एक बार आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ जो लोग चाहते हैं कि क्षेत्रीय विधायक हो, क्षेत्रीय विधायक होगा तो वो क्षेत्र की समस्याओं को सुनेगा, लेकिन क्यों रामपुर के लोग आते हैं और विधायक बन के चले जाते हैं और अपने घर बैठ जाते हैं? ये हमारा बहुत पुराना दुर्भाग्य रहा है स्वार टांडे तहसील का, कि बाहरी लोगों को ही चुनाव जिताते हैं और बाहरी नेता जो चुनाव जीत कर चले जाते हैं वो दोबारा यहाँ पर नहीं पलटते हैं, क्योंकि स्वार टांडे की जनता बहुत भोली वाली थी पहले, लेकिन आज जो जागरूक हो चुकी है, आज किसी के बहकावे में नहीं आएगी, आज जो वोटिंग अपने काम के आधार पर करेगी। बिल्कुल, देखिए यहाँ हम पहुँचे थे 34 स्वार टांडा में और लोगों की राय हमने जानी, लोगों से जाना कि वो किस तरीके से अपने विधायक चुनना चाहते हैं और किस तरीके से जो आगामी 2022 का चुनाव है उसके लिए यहाँ के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। और लोग चाहते हैं कि उनका क्षेत्रीय विधायक हो और क्षेत्र में उनका विधायक उनके बीच में रहे और उनके बीच में रहकर उनकी समस्याओं को सुने, उनका विकास करे, इसी से लोग जो हैं खुश रह पाएंगे। और वो ऐसा विधायक हो जो सभी धर्मों को साथ लेकर चले और सभी का विकास करे। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी अपनी तैयारियां कर रही है, बीजेपी पूरा रण तैयार कर रही है, और जो 34 स्वार टांडा आजम खान का गढ़ कहा जाता है, क्योंकि आजम खान जेल में बंद हैं,
और जेल से निकालने के लिए सपा खेमा पूरा प्रयासरत है उनको किसी सूरत से जेल से बाहर निकाला जाए। अगर आजम खान जेल में रहते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान जेल में रहते हैं, तो उनके लिए चुनाव जीतना कितना कठिन परिश्रम होगा और किस तरीके से रामपुर के लोगों की ये खुशनसीबी होगी कि 34 विधानसभा सवार में उनका क्षेत्रीय विधायक हो और उनकी जमीनी समस्याओं को लेकर वो संसद पहुंचे और यहाँ के विकास कार्यों को प्रमुखता से कराने की कोशिश करें। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल मोर्रे के साथ रविशंकर, पंजाब केसरी टीवी, रामपुर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।